चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। इस साल यानी सीजन 2022-23 में देश में काबुली चने का कुल उत्पादन 2 लाख से 2.25 लाख टन होने की उम्मीद आंकी गई है। बीते साल के उत्पादन 1.75 लाख टन से ज्यादा है, लेकिन कारोबारी काबुली चने के दाम में ज्यादा मंदी नहीं देख रहे हैं। सोमवार को इंदौर में मध्य प्रदेश काबुली चना एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा संपन्न हुई। इसमें एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी चुनी गई, साथ ही फसल और बाजार की स्थितियों का आकलन भी किया गया। एसोसिएशन की बैठक में इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, बडनगर, धार, अंजड़, बड़वानी, करही, शुजालपुर आदि क्षेत्रों से अनेक व्यापारी प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। बैठक में वर्ष 2022-23 में काबुली चने की फसल पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें विभिन्न प्रांतों से आए प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे एवं यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस वर्ष भी मालवा क्षेत्र में काबुली चना की फसल कमजोर रहेगी, जबकि निमाड़ क्षेत्र में थोड़ी वृद्धि रहेगी। कुल मिलाकर कुल फसल 2 से 2.25 लाख टन आने की उम्मीद है। पूरे विश्व में मोटा काबुली चना का उत्पादन मात्र मेक्सिको और भारत में ही होता है। यदि भारत के किसानों एवं व्यापारियों को इस फसल का अच्छा दाम चाहिए तो हमें हमारी क्वालिटी पर विशेष ध्यान देकर उसे सुधारना होगा। व्यापारियों ने कहा कि काबुली चने का निर्यात लगातार कम हुआ है, लेकिन घरेलू मांग बढ़ गई है। ऐसे में इस साल उत्पादन बढ़ने के बावजूद दामों में ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही। 7,800 से 8,000 रुपए क्विंटल के दाम पर ही काबुली चना बिकता नजर आएगा। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।